बच्चे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यस निष्ठा। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। बहुत अच्छे, बहुत जल्द सनी। और सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। नाना साहेब, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर ओ ह्यूम। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत जल्द। यस नेहा, स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है, डेली सुबह 10 बजे होती है, इसे ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए रक्त का मापक यंत्र इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, स्पिग्नोमैनोमीटर रक्त का मापक यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्कस निकेटर को किसने पराजित किया था। क्या पूछा गया है। सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अजातशत्रु। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। यस सनी, तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। कल से नहीं होगी, बहुत जल्द होगी। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है। भोपाल, नागपुर, देहरादून या फिर जोधपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागपुर। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नागपुर को भारत में ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र का नगर है। कहां पर है। महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। सब इसका आंसर करिएगा, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र वेस्ट बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए सेल्डर आयोग किससे संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेडलर आयोग किससे संबंधित था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर शिक्षा से, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? पीला केक किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए पीला केक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम को, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम को येलो केक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, यूरेनियम करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए आर्मेनिया की मुद्रा क्या है, करेंसी बतानी है आपको आर्मेनिया की, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्मेनिया की करेंसी क्या है, यह आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्राम। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, आर्मेनिया की करेंसी द्राम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा, यस सनी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है? रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वालियर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 1857 में झांसी से संबंधित है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, झांसी से संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई, इनका समाधि स्थल ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा, मणिकर्ण का। क्या नाम था? मूल मणिकर्ण का नाम था, और बचपन का नाम मनु था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चिकित्सा, साहित्य, शांति या फिर फिल्म, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्या पूछा गया धनवंतरी पुरस्कार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, और जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। मिस यूनिवर्स पूछा गया है, पहले ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुष्मिता सेन। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और मिस वर्ल्ड पूछा जाता, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, रीता फारिया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है और मिस वर्ल्ड रीता फारिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। राजस्थान के पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1899-1900 के जो मुंडा क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिरसा मुंडा। या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मुंडा क्रांति के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सी नहर मिस्र में है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी नहर मिस्र में है? स्वेज नहर, कील नहर, पनामा नहर या फिर ननहावती? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वेज नहर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्वेज नहर मिस्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था उस समय अवध का नवाब कौन था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था उस समय अवध का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहादुर अली शाह। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, उस समय अवध का नवाब बहादुर अली शाह था 1856 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। यस सनीप, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? ये पूछा गया है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहजहां। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, औरंगजेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता इनमें से क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की इनमें से एक विशेषता कौन सी है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण? यहाँ पर आगरा की पूछी गई थी, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो शाहजहां करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, तो सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान की सर्वोच्चता। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सारनाथ में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पहले धर्म उपदेश को जो सारनाथ में दिया था,
धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। गुड मॉर्निंग, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे, इसीलिए कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में है, यह आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चिल्का लेक एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है, एक लैगून झील है, कहां पर है? उड़ीसा में। यह भी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। बाकी लोनार झील कहां पर है, पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र में। राजसमंद झील राजस्थान में। जो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है, यह अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या फिर ननावधि, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शक संवत पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यस सीमा, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्या पूछा गया है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है, ये आपको बताना है। सनी वेरी गुड, अंशी, लोकेश, योगेश, निष्ठा, स्वीटी, सभी करेक्ट आंसर है। चिकी, पलक, माही, निष्ठा, अभिषेक, आप सभी राइट आंसर दिए हैं। अमित, इन सभी राइट आंसर दिए, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। सुकुमारी, आपका भी राइट आंसर है। मीनाक्षी, सभी राइट आंसर दिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राज्य में आपातकाल के समय जो राज्य का शासन है राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा, अवनीश, आपके भी राइट आंसर है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर है। अनिल, वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी, कोयला, डीजल, अणुशक्ति, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पानी करेक्ट आंसर होगा। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत पानी है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, जो रंगा स्वामी कप है किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड हॉकी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 11 होती है एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या हॉकी में। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको बताना है काशी के किस प्रश्न। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा भट्ट। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, निम्न में कृष्णा की सहायक नदी है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा कोयना भीमा तुंगभद्रा सभी कृष्णा सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था भारत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सितंबर 2014 में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत में, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। आपको पहला मध्यकालीन शासक बताना है जिसने दक्षिण भारत को विजय किया था, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सी बात है संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बाकी उर्दू नेपाली कोंकणी ये सभी शामिल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भोजपुरी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वाणिज्यिक बैंक। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए, बताइए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। सब इसका आंसर करिएगा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, ये जियोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊतक, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए भारत में जो डाक व्यवस्था है शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था, एक अस्पताल था खैराती। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 37 के लिए आंसर करिए। बताइए किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा गौतम बुद्ध का, सॉरी इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देवनाम किसका था? तो अशोक करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे और इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अशोक करेक्ट आंसर होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर नहीं होगा, अशोक करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए अर्जेंटाइन किसका अयस्कर? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए अर्जेंटाइन किसका अयस्कर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चांदी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, चांदी का एक अयस्क है अर्जेंटाइन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, चांदी को एसी जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है ए जी से रिप्रेजेंट? क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है। चांदी एक धातु है, चांदी का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से बताइएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गुड, सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी करेक्ट आंसर होगा, शिशिर कुमार घोष। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार की स्थापना पत्रिका की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है किस तत्व की कमी से गहंगा रोग होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा, किस तत्व की कमी से गहंगा रोग होता है, यह आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से गहंगा रोग होता है। 41 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन है? आपको गीतकार बताने हैं प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, भीमसेन जोशी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, पीयूष पांडे। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, पीयूष पांडे मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है कुचिपुड़ी कहां संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर बताइएगा, कुचिपुड़ी कहां संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 324। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 44 के लिए आंसर करिए। बताइए पीलिया रोग किस अंग से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पीलिया रोग किस अंग से संबंधित रोग है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, लीवर से संबंधित है पीलिया रोग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जत्रा भगत। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, यात्रा भगत। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल गंगाधर तिलक, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा ये करेक्ट आंसर होगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्माण करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित कौन हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जोधपुर में। क्या करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। 49 के लिए आंसर करिए। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो 20 का राइट आंसर होगा, संयुक्त प्रांत के नाम से। 20 का राइट आंसर होगा, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। महाराष्ट्र का जो कोला त्यौहार है, इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, पहली बात तो याद रखिएगा, पोला त्यौहार मुख्यतः कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। किसकी पूजा की जाती है, वृषभ बैल की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईएम पोस्टर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। 19 साल के उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है, 19 साल के उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लुधियाना, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, पंजाब का लुधियाना। लुधियाना कहाँ पर है, पंजाब में, और पंजाब का लुधियाना 19 साल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन सी अक्षांश रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क, मकर, बृहस्पति या फिर अंटार्कटिका। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मकर रेखा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, कई बार मैंने आपको बताया भी है। 55 के लिए आंसर करिएगा। बताइए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। 56 के लिए आंसर करिएगा, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर है। सभी बताइए जल्दी से, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाएं हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दसवंत। सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दसवंत अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा,
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का, डीपीएसपी का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा, जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइकोफाइट्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, छाया में पनपने वाले पौधों को साइकोफाइट्स कहते हैं, सी करेक्ट आंसर है। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में।